राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की श्री कृष्ण गौशाला में गुरुवार को 10 गायों की मौत हो गई है। और अगर एक महीने में गायों की मौत की बात करें तो 300 गायों की यह अब मौत हो चुकी है। गायों की मौत क्यों हो रही है इसको लेकर अधिकारी भी हैरान हैं। कुछ दिनों पहले राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता खिलचीपुर की श्री कृष्ण गौशाला में पहुंची, जहां 15 से अधिक गायों के शव पड़े हुए मिले थे। कलेक्टर ने गौशाला में बीमार गाय के इलाज व गायों की मौत को रोकने के लिए 4 पशु डॉक्टरों के दल को देखरेख के लिए गौशाला में रहने को बोला था। बावजूद इसके गौशाला में गायों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और गौशाला में लगातार गायों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लगातार गायों की मौत पर अब सवाल यही है कि आखिर इन गायों की मौत व गौ माता की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। SDM प्रकाश कस्बे ने कहा कि जिन 10 गायों की मौत हुई है वह बीमार थी, उनको इलाज के लिए लाए थे, गौशाला में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वो गाय वो है जो कि बीमार थी, उनको लाए थे अपन इलाज करने के लिए और उनका इलाज भी हो रहा था, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। सर लगातार जो बारिश हो रही है अभी, और बारिश भी तो लगातार हो रही है तो इसी वजह से थोड़ी, और बारिश से मरी जो बीमार थी वो इलाज के दौरान मरी। एक महीने में सर गौशाला में करीब 300 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है, ऐसा आंकड़ा बताया गया है। तो क्यों हो रही है इतनी मौतें गाय की यहाँ पे लगातार? तभी व्यवस्था कर रहे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है। सर 300 गायों की मौत है, जो बीमार है वही मर रही है। सर 300 गायों की मौत हो चुकी है अभी तक लगातार? तो नहीं है, मैं तो नहीं बोल सकता। 300 जो बीमार है वही मरी, बाकी तो पहले बारिश की वजह से मरी थी तो कम से कम अपने 300-400 ट्राली मुर्गी। गौ सेवक मनोज गुप्ता ने बताया कि गौशाला में प्रतिदिन 8 से 10 गायों की रोज मौत होती है, महीने में 300 का आंकड़ा पार कर रही है। यहां पर इलाज के लिए मेन डॉक्टर आता नहीं है, चपरासी इलाज करने आ रहा है। गौशाला में प्रतिदिन 8-10 गाय डेली मर रही है, यहाँ पे महीने में 300 आंकड़ा पार कर रही है यहाँ पे गाय पे। यहाँ पर मेन डॉक्टर आता नहीं है, चपड़े से लोग इलाज करके जा रहे हैं यहाँ पे, और ना ही कोई गाय सूखने का इंजेक्शन गायों को लगाया जा रहा है। आज कितनी गायों की? आज 10 गाय मर चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा ये बताइए ये मौत क्यों हो रही है? ये मौत गीले की वजह से हो रही है कुछ तो। यहाँ पर व्यवस्था अभी तक प्रशासन ने नहीं की है, ना प्रशासन ने कोई व्यवस्था जमाई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी गाय आती है वो या तो घाव वाली या बीमार आती है, तो उनका सही इलाज नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई सूखने इंजेक्शन। 8-8 दिन हो गए कोई गाय का पाँव नहीं सूख रहा, मैं रोज डेली इलाज कर रहा हूँ यहाँ के, और ना कोई सेशन प्रेशन देख रहा हूँ गायों के इलाज के लिए यहाँ पे। चौकीदार रतन लाल ने बताया कि एक महीने में 300 गायों की मौत हुई है, गांव वाले ट्रैक्टर से लेकर गायों को छोड़ गए, आज भी गायों की मौत हुई है। गायों की मौत गीले कीचड़ की वजह से हुई है, ज्यादा बारिश हो रही है। चौकीदार कौन सी गौशाला है? अच्छा तो जी बताइए चौकीदार जी, एक महीने में कितनी गाय की मौत हुई? एक महीने में 300 गाय की मौत हुई, और जन के बाद में बाहर की गाय ट्रैक्टर दुकान लगते धोखे पटक गया काम डाला बाद यहाँ पे। अच्छा आज कितनी गायों की मौत हुई है? आज तो 8 गाय की मौत हुई है यहाँ पे। किस वजह से हो रही है मौत? इस वजह से हुई है आला की कीचड़ की वजह से, और चारा की व्यवस्था तो फुल चार्ज चारा का मामला में बारिश हो रही है ज्यादा ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसमें कीचड़ में बैठने से इनकी मौत हो गई। डूंगर सिंह ने बताया कि गौशाला में मृत गायों को उठाने का काम करता हूं। एक महीने में कम से कम 300 मृत गायों को उठाकर ले गया हूं। मृत गायों को बड़े मेले छोटे मेले के गड्ढों में फेंकते हैं। यहाँ क्या काम करते हो गौशाला में? गाय उठाने का काम करते हैं भाई। गाय उठाने का? हाँ। ये जो गौशाला है खिलचीपुर की, एक महीने में कितनी गाय यहाँ से मृत ले जा चुके हो? एक महीने में कम से कम 300 गाय ले जा चुके हम। और 300 गाय मरी हुई? मरी हुई। कहाँ फेंकते हो उसे? ये बड़ा मेला में और छोटा मेला में करते हैं। अच्छा वहाँ डाल रहे हो? हाँ। तो किस वजह से मौत हो रही है कुछ पता है? ये पानी की वजह से, कुछ खा नहीं रही गायें। हाँ इसकी वजह से खाना पानी नहीं मिल रहा है टाइम से, लाइक नहीं हो पा रहे गायें, इसकी वजह से इनकी मौत हो रही है।
राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।